अच्छा, हम पीआईडी लैब नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। पीआईडी कंट्रोलर की मदद से डीसी मोटर को हमने कंट्रोल करना है, ताकि मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को कि उसमें हम जो टाइम रिस्पांस होता है, जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, यानी कि सिस्टम का सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो जैसी हम चाह रहे हैं वैसी उसकी स्पेसिफिकेशन आएँ, वैसा डिज़ाइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये हमने पीछे एक लैब में भी किया था कि सेटलिंग टाइम शुड बी लेस देन 2 सेकेंड्स, और वहाँ पर आपका 2 पॉइंट समथिंग आया था, थोड़ा सा ज़्यादा आया था, हल्का सा। और ये स्टडी स्टेट एरर्स इतनी हों, ओवरशूट इतना हो, ये ओवरशूट जो हाईलाइट किया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप कैलकुलेट करना सीखा है, सेटलिंग टाइम भी उधर आपने सीखा है, स्टडी स्टेट एरर आप चैप्टर नंबर 7 में सीखेंगे, और जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो आप चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे। तो तीन बेसिकली चीज़ें होती हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है, अगर सिस्टम स्टेबल ही नहीं है तो आप फर्दर आगे चीज़ों को कंटिन्यू ही नहीं करते। और सिस्टम अगर स्टेबल नहीं है तो बाकी दो जो एनालाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, जो आपके पास टाइम। जी जी सर, मैंने ये पूछना था, ये सेटलिंग टाइम लेस देन 2 सेकंड आपने कहा, इसमें ये होगा कि 2 सेकंड के से पहले मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड को पहुंच जाएगी, इससे सेटलिंग टाइम का यानी ये मकसद है इधर? मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड को, मोटर क्या करे कि जो आपने उसकी एक वैल्यू रखी हुई लेट से 1000 RPM, उस पे जाए और 1000 RPM के करीब पहुंचे और उसमें 2% की वेरिएशन हो, यानी कि या तो 2% 1000 से ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है, उससे ज़्यादा उसके अंदर ऑसिलेशंस भी ना हो, स्पाइक्स या कदम होता है ना कि पहले बहुत ऊपर चढ़ जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप जो वैल्यू को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके करीब आती। तो जी सर, तो जो है आपके पास ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर डायग्राम भी है, अभी इधर से खोल लेता हूँ मैं, चीज़ों को आपको बता देता हूँ। तो आपके पास सेटल तब होगा, बाज दफ़ा हो सकता है कि आपकी वैल्यू के करीब तक पहुंचे और फौरन उससे बाहर निकल जाए और फिर नीचे आ जाए, फिर बाहर निकल जाए, इस तरह की चीज़ें होती रहें। ये देखें, ये आपके सामने ये डायग्राम है। तो अब सेटलिंग टाइम में जो इसको सेटल का कह रहा होगा, वो तो इसको वो इसको कह रहा होगा कि ये देखें यहाँ पर ये गया, ये आपको कोई चीज़ रिक्वायर थी, यहाँ पर पहुँचा तो कह रहा होगा कि माइट भी ये सेटल हो चुका हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखें बहुत ऊपर भी गया, ऊपर भी निकली है चीज़, फिर यहाँ पे नीचे भी आ रहा है। ये सर, अगर ये ऑसिलेशन हो रही है, हाँ जी बताएं। जी सर, ये जो ग्राफ इधर से ओवरशूट किया है इधर से, ये क्या मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी इधर, यानी जो हमने स्पीड सेट की है मसलन 1000 RPM, तो ये उससे बढ़ जाएगी, ये ओवरशूट ये जाहिर कर रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन आएगा जो आप आउटपुट चाह रहे हैं, जो आपने रेफरेंस सेट किया हुआ उसमें कमी या ज्यादती आएगी, रिस्पांस की वैल्यू कम होंगी या ज़्यादा होंगी, डिपेंड करता है कि कैसा उसका रिस्पांस आ रहा है, और आप ये नहीं चाह रहे होते कि वैल्यू कम ज़्यादा हो, आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू चाह रहे होते। सो सेटलिंग टाइम का इसमें सर, सेटलिंग टाइम का इसमें तो ये है कि जब मोटर कॉन्स्टेंट स्पीड पे अपनी आने लग जाती है, ये मैं वही बताने लगा ना, ये देखें वो टाइम है, हाँ जी। अब ये देखें यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इस सैरो पे उसने, मैं नीचे करता हूँ इस ग्राफ को थोड़ा, ये जो एरो है यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि सेटलिंग टाइम 0.567, तो बड़ा ज़रूरी है कि उसने इधर क्यों नहीं लिखा कहीं जगह पे, या 0.567 से पहले क्यों नहीं लिखा। तो ये वो डॉट वाला वो पॉइंट है कि जहाँ पर ये देखें ऑसिलेशन तो हैं, लेकिन एक खास लिमिट से ऑसिलेशन बाहर नहीं निकली है। देखिए ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन ऊपर नीचे आ रही है, ये ब्लैक कलर के ऊपर नीचे डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये जो प्लस माइनस 2% की आपको टॉलरेंस दी गई है कि आपका रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट को मीट करने की कोशिश करे और विद इन प्लस माइनस 2% ऑफ दैट वैल्यू रहे, यानी कि अगर ये रिस्पॉन्स जब इसके अंदर दाखिल हुआ ये डॉटेड लाइंस के, ये डॉटेड लाइन भला क्यों लगाई है, मिसाल के तौर पे 100 है तो 100 का प्लस माइनस 2% ये होगा कि 102 और 98, तो आप एक 98 पे लाइन लगा लेंगे, एक 102 पे लाइन लगा लेंगे, ठीक है। सो वो होता है 2%, उसके अंदर अंदर ग्राफ रहे। तो अगर ये ग्राफ देखिएगा, अगर ये ग्राफ यहाँ पर बाहर निकल आता है, जिधर ये मैंने रेड कलर का डॉट लगाया हुआ है, अगर ये ग्राफ इससे होते हुए बाहर निकल आता
तो आपका ये सेटलिंग टाइम, आप इसको सेटलिंग टाइम नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये प्लस माइनस 2% के अंदर नहीं रहा, ग्राफ फिर बाहर निकल गया। ठीक है, तो सर हाँ जी, दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं सेटलिंग टाइम एक रेंज है ग्राफ की, यानी उसमें ओसिलेशन की रेंज है कि इसके दरमियान में रहेगा। हाँ, आप उसको कह सकते हैं सेटल, सेटल होने का मतलब ये है ना कि खास वैल्यू गिर्द गिर्द वो सेटल हो रहा है। ठीक है, और फिर एक साइंटिफिक वे है ना उसको समझने का। अब कोई कहे कि सर वो आप देखे ना, प्लस माइनस 2% क्या कह रहे हैं, प्लस माइनस सही है, प्लस माइनस 2% के दरमियान आपने कहा रहेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे भाई यही है कि अगर आप मोटर है तो अगर आपके पास उसकी 100 RPM स्पीड है 100, ठीक है, तो वो 100 का मतलब ये है कि 100 का प्लस माइनस 2% है कि 102 RPM और 98 RPM से ऊपर नीचे मोटर ना घूमे, वो 102 और 98 RPM के दरमियान में ही घूमती रहे, इतनी सी उसको गुंजाइश है। और वो अगर पहले बहुत ज़्यादा घूम रही है या बहुत कम घूम रही है तो वो घूम ले, उसने जो कुछ करना है वो कर ले, लेकिन उसके बाद वो जब 98 और 102 RPM के दरमियान में आ जाए कुछ वक़्त के बाद, तो फिर वो उसके अंदर ही रहे। और अगर वो कुछ वक़्त अंदर रहती है और फिर बाहर निकल जाती है तो उसका मतलब है वो सेटल नहीं हो रही। आप अक्सर कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ चलती है वो ज़्यादा एम्पेयर लेती है, इसको मैं इससे रिलेट नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ आइडिया देने के, मिसाल के तौर पे ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो वो स्टार्टिंग के बाद फ़ौरन उसकी जो ओरिजिनल रेटिंग है उसके ऊपर वो चलने लग जाती। ठीक है, अगर डब्बे पे लिखा 2 एम्पेयर लेगा या कोई और चीज़ इतने एम्पेयर लेगी और स्टार्टिंग में 5 एम्पेयर लेती है तो किसी को उसमें कोई इशू नहीं होता, वो कहते हैं हाँ यार स्टार्टिंग में इसने ज़्यादा ले लिया, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंट टाइम भी 5 एम्पेयर लेती रहे फिर वो अपनी चीज़ पे जाके सेटल नहीं हुई। आपकी मोटर आपने 100 पे उसको कहा चले तो वो चल रही है 120 RPM पे और लगातार 120 RPM पे चल रही है, तो विल यू अफोर्ड, अब ये 20 RPM पे फर्क कहाँ पर एडजस्ट होगा, तो वो सेटल तो ना हुई, उसकी सेटलिंग तो ना हुई। सेटलिंग तो तब होगी ना कि जब एक वैल्यू आपने बताई उसके दरमियान में वो आए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम है और सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम है उससे पहले डेफिनेशन में ये सारा लिखा हुआ जी सर। सर वो 0.98C 1C और हाँ जी जी सर, वो तो पता था, ये जो आपने बातें अभी बताई है ना इसको प्रैक्टिकली रिलेट किया वो नहीं पता था, वो अभी पता चला। तो फिर थोड़ी मैं स्टूडेंट को कहता होता ना खुशबू लगा के, वो थोड़ी मोहब्बत तो फिर बिखेरनी पड़ती है ना चीज़ों पे जब टाइम थोड़ा वो तो फिर करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सही है, लगे रहो इस तरह। इसका जो तेज वाले स्टूडेंट होते हैं ना इसका गलत मतलब भी लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी बताएं। ये सर मैंने पूछना था सर, जैसे ये परसेंटेज ओवरशूट की भी सर कोई वैल्यू होगी, कोई लिमिट होगी कि इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए सिस्टम, क्योंकि सर वो फिर जल भी सकता है, क्योंकि सर जैसे ये प्लस माइनस 2% है सेटलिंग टाइम, सर परसेंटेज ओवरशूट जितनी भी हो जाए या सर उसकी कोई एक लिमिट होती है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए? नहीं, उसकी भी लिमिट है, वो भी अभी डिजाइन आपने जो लैब की थी उसके अंदर आपको लिखा हुआ था परसेंटेज ओवरशूट इससे ज्यादा ना हो। अब परसेंटेज ओवरशूट का क्या होता है बेसिकली, उसकी भी डेफिनेशन जाके पढ़िएगा। उसकी डेफिनेशन के अंदर मैक्सिमम जो पीक ऊपर पहुंची होती है उसकी वजह देखिए परसेंटेज ओवरशूट लेस देन 5%। अब ये इसका चैप्टर नंबर 4 में जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, आपने वो फार्मूला नहीं देखना, उसके साथ ही एक और फार्मूला उधर ही लिखा हुआ है जब परसेंटेज ओवरशूट की हेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सब की ना, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, आज जाके देखेगा चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल का, तो सारी चीज़ों की डेफिनेशन लिखी हुई हैं। जब परसेंटेज ओवरशूट की डेफिनेशन आएगी तो परसेंटेज ओवरशूट की हेडिंग के नीचे बिल्कुल फौरन जो फार्मूला लिखा होगा ना, वो डेफिनेशन वाला फार्मूला है, वो आप इस्तेमाल नहीं करते। आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो 5-6 स्टेप नीचे है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो वो जो पहला फार्मूला है उसको आप देखिएगा, उसके अंदर उस फार्मूला के अंदर क्या आएगा, उस फार्मूला के अंदर आता है पीक वैल्यू आती है माइनस माइट भी उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो पीक वाली जो वैल्यू है वो ये होता है कि बिल्कुल पहले आगाज में वो कितना ऊपर गया है, फिर आप माइनस लेते हैं, फिर एक चीज़ से डिवाइड भी करते हैं। बेसिकली ये रेशियो है ना परसेंटेज की फॉर्म, इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अब इसी स्टूडेंट की बात को एक्सटेंड कर, इसने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ये चीज़ के जलने वाले के सेंस में, मिसाल के तौर पे स्टार्ट पे वो बहुत ऊपर वैल्यू निकल जाती है, ये पीक वैल्यू माइट भी इसकी 1 की बजाय निकला है यहाँ पे टॉप पे, तो जब जितनी टॉप पे जाएगी इसकी वैल्यू, वो वाली वैल्यू आप माइनस करेंगे स्टेडी स्टेट वैल्यू से और डिवाइडेड बाय एक वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे, तो
तो आपके पास आंसर बहुत बड़ा आएगा। ये जितनी पीक ऊपर जाती जाएगी उसका डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा, उसकी रेशियो उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उससे वो चीज़ जल भी सकती है। मिसाल के तौर पे आप बहुत ऊपर चले गए तो क्या पता मैकेनिकली वो ब्रेक हो जाए, मैकेनिकली बेल्ट टूट जाए मोटर का, बात समझे। मिसाल के तौर पे आपने 1000 RPM पे चलाना था और वो चली गई है एकदम 1200 या 1300 पे या 1400 पे, तो ये इस सारे RPM के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे डेफिनेट सी बात है। अब हम समझदार हैं कि ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो वो चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है हमें के जो आप चाह रहे हैं। इसको मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें, मैं वो डेफिनेशन की जो बात कर रहा था ना उसको निकालने के लिए यहाँ से देखता हूँ जरा। आप सामने ना बुक शेयर की है, अभी बुक आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। देखिए फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया है, उम्मीद है नजर आ रहा होगा। वैल्यूएशन परसेंटेज सी मैक्स माइनस सी फाइनल ओवर सी फाइनल इनटू 100। अब सी फाइनल क्या है, वो जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है, और ये सी मैक्स क्या है, जो मैक्सिमम उसकी पीक ऊपर गई हुई है। तो ये डैमेजिंग की सेंस में तो पहले कमेंट हो गया, ये जितनी अब पीक ऊपर मैक्स में जाएगी अब आपको समझदार है कि परसेंटेज ओवरशूट का आंसर उतना बड़ा ही आना है, ठीक है। और वो जितनी पीक ऊपर जाएगी उसने उतना नुकसान देना है, सारी स्पेसिफिकेशंस को वो इग्नोर करके ऊपर जा रही है। और बाकी आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये 4.38 टाइप फार्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, इसी से ड्राइव किया गया, ठीक है। आप मोहब्बत है बस, वो तो अहले इल्म और अहले ज़ौक की बातें हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे फिर पता होगा ना किसको क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। आपके पास टाइम रिस्पॉन्स का ग्राफ ही नहीं होगा, तस्वीर तो है नहीं, ग्राफ तो है नहीं, टाइम रिस्पॉन्स ड्रॉ तो हुआ नहीं हुआ, तो न्यूमेरिकल में ना आप करते हैं ना आप कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है ना, ठीक है। सो ये इसीलिए फिर ये वाला फॉर्मूला ड्राइव उसी से हुआ, नीचे वाला पहुंचा, ठीक होगी बात। चलें अच्छा, अब ये जो हमने सारी बातें आपसे शेयर की हैं, इन बातों का मकसद ये है कि आप कोई ख़ास चीज़ चाह रहे हैं कि ऐसी हो जाए, और वो बाज़ दफ़ा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं भी होती। लैब में आपने कहा सेटलिंग टाइम 2 हो, लेकिन वो 2 point something हो गया था, फिर आपने अगली दफ़ा आपके पास क्या था कि आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को जो है वो मेरे ख्याल से एक फर्स्ट एक ऐसा सिस्टम लिया, एक डोमिनेंट पोल लिया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर वाला सिस्टम और सेकंड ऑर्डर वाला तकरीबन एक दूसरे के बराबर थे। इस पे मैंने बड़ा आपको कहा कि पैराग्राफ पढ़ें, थोड़ा आपको लगाई रखा था चीज़ों पर, फिर जाके काम की बात बताई थी, शायद आपको याद होगा कि डोमिनेंट पोल उसको क्यों कह रहे हैं और क्या सारी चीज़ें। तो उसमें फिर आपने देखा था जब आपने दोनों को मर्ज किया तो एक में सेटलिंग टाइम 2 point something था और एक में 2 से थोड़ा सा लेस भी हो गया था, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है, लिफ्ट की भी आपको मिसाल देता था, लिफ्ट के केस में अगर वो चीज़ कम ज़्यादा ही नहीं होती, रुकती नहीं है, किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है ऊपर, अगर उसकी स्टेबिलिटी में ये भी होता है ना, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, अगर कोई चीज़ ऊपर टकरा रही है नुकसानदेह है। आपको लिफ्ट वो चाहिए जो कि प्रॉपर जाके रुके, प्रॉपर अगर नहीं भी रुकती तो कम से कम ये ना हो कि ऊपर जाके लग रही हो और उसके एंड और लोअर पॉइंट से कोई ना स्टॉप ही कोई ना, ठीक है। अब SCN की लिफ्ट है ग्राउंड वाली साइड पे, तो वो एक फ्लोर का उसमें प्लस माइनस है, हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर वही लिफ्ट जाके पाँचवें या छठे फ्लोर पर अगर छत को लगे तो हर दफ़ा थोड़ी चोट लग रही हो तो हम कभी भी उसमें नहीं बैठेंगे, ठीक है। एरर को हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होती है, बाउंड्स बड़ी ज़रूरी है। अच्छा ये PID कंट्रोलर की देखें ज़रा
ब्यूटी है कि उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, के पी कॉन्स्टेंट होता है, के आई कॉन्स्टेंट होता है, के डी कॉन्स्टेंट होता है। के पी से मुराद, पी से मुराद होता है प्रोपोर्शनल जो उसका नाम है, आई से इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेशन है, डी से डेरिवेटिव है। ये प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव, ये बेसिकली तीन तीन चीज़ों का इसमें कम्बिनेशन होता है। तो के पी का मतलब है प्रोपोर्शनल का कॉन्स्टेंट, के आई का मतलब है इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, और के डी का मतलब है डिफरेंशियल का कॉन्स्टेंट। अब इनके इनके चेंज करने से, इनके चेंज करने से क्या होगा, क्या हुआ इनके सर, जी बताएं सर, ये तीन कंट्रोलर्स को मिला के एक कंट्रोलर बना, पीआईडी। जी जी बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। आप देखें ऊपर लिखा हुआ राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट एरर, ये वही चीजें नहीं है जो कि आप चाह रहे होते हैं? ये आपके डिजाइन या एनालाइज स्पेसिफिकेशन में चीजें नहीं आती हैं? जी सर, सर यही होती है। अगर देखें आप, लिखा हुआ राइज टाइम को अगर डिक्रीज करना है तो आपको कह रहा है कि के पी की वैल्यू को तब्दील करो या के आई की वैल्यू को तब्दील करो, के डी को तब्दील करोगे तो बहुत कम चेंज आएगा। तो यहाँ से सारा कुछ आइडिया हो नहीं रहा कि क्या चीज़ लेनी है। अगर परसेंटेज ओवरशूट डिक्रीज करना है, ये अभी स्टूडेंट ने कहा था ज़्यादा आ रहा है, तो उसने लिखा हुआ के डी को यूज़ करो। अगर सेटलिंग टाइम डिक्रीज करना है तो उसने लिखा हुआ के डी को यूज़ करो। इंक्रीज करना है के आई को यूज़ करो। स्मॉल चेंज है के पी के अंदर, स्टडी स्टेट एरर है, के पी को कम करोगे डिक्रीज हो जाएंगे, के आई से काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे, के डी से करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बता नहीं रहा कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए। अब इससे भी पहले एक चीज़ देख लेते, अब कंट्रोलर का तो आपको आइडिया होगा, वैसे जो एक लफज है कंट्रोलर, उसका तो सबको पता होगा कि कंट्रोलर क्या करता है। कंट्रोलर आपकी रिक्वायर्ड जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मिसाल के तौर पर मोटर है 100 पे चलानी है, 120 पे चल रही है, तो कंट्रोलर का काम है कि उसको 100 तक लेके आए। अब कंट्रोलर के अंदर ऐसा क्या होगा, दवा या कलमे से तो नहीं काम, कंट्रोलर के अंदर कोई ना कोई टाइप ऑफ कंट्रोलर होगा, जैसे पीआईडी है, दो तीन और आपको हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आप करें, तो ये कंट्रोलर की कोई भी टाइप हो सकती है, काम उसका एक ही है कि आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को उसने मीट करना है। मिसाल के तौर पर ये देख, एक जनरल तस्वीर बनी हुई है, आपने इनपुट कोई ली, आपने कोई ना कोई इनपुट ली, उस इनपुट का नाम क्या, अभी आपके सामने पिक्चर आ रही है कि आर उसका नाम है, ठीक है, आर जो है दैट इज योर इनपुट और आपके आउटपुट है वाई। ये प्लांट बेसिकली क्या है, ये प्लांट एक जनरल नेम है, ये मोटर भी हो सकती है, ये एंटीना भी हो सकता है, ये अनमैन्ड व्हीकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे है कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करेगा, देखेगा कि अब कंट्रोलर बेसिकली क्या देखेगा, आपकी जो आउटपुट है, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे थे कि 100 आरपीएम आए, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 120। मिसाल के तौर पे आपने रेफरेंस सेट किया हुआ 100, मैं वैसे एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आया, उसने देखा कि 120 है, यहाँ पे इन दोनों का प्लस माइनस हुआ, एरर निकला, एरर आ गया 20 का फर्क है, कंट्रोलर को पहुंचा 20 का फर्क। अब कंट्रोलर के अंदर कोडिंग है कि यार 20 का जो फर्क है वो कैसे खत्म करना है, 20 कम है या ज्यादा है, इसमें ऐसा फर्क भी आ सकता है, इसमें 80 भी आ सकता है, 80, ठीक है, 80 भी इसमें आ सकता है, वो भी उसको देखेगा कि क्या है, माइनस में आंसर आ रहा है, प्लस में आपके पास आंसर आ रहा है, सारी चीजों को देखा जाएगा। माइनस में आ रहा है तो क्या करना, हो सकता है ना स्पीड कम हो तो उसको उसने बढ़ाना हो, स्पीड ज़्यादा हो तो उसको उसने कम करना हो, तो ये कंट्रोलर के अंदर कोडिंग हुई होगी, ये सारी चीज़ लिखी होगी कि इफ ये है तो ये करो, इफ दिस दैट जो भी है, तो प्रॉपर कोडिंग के अंदर सारा कुछ हुआ होगा। अब जब ये एरर इसको पहुंचेगा, ये उसके मुताबिक उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और ठीक करके मोटर को देगा, मिसाल के तौर पर ये इसको 100 के करीब करके देने की कोशिश करेगा। तो अगली दफ़ा हम देखेंगे कि अगली दफ़ा एरर जो है वो 110 रह गया 120 की बजाय, अगली दफ़ा माइट भी देखें कि 105 रह गया, एरर नहीं 105 रह गया, आउटपुट 105 आ रही, एरर 10 या 5 रह गया, तो ये इवेंचुअली उसको कम करने की कोशिश करेगा। और यकीन के मुताबिक कंट्रोलर डिज़ाइन किया हुआ, ये देखें, ये ऊपर चीज़ देख रहे हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, ये आपके स्पेसिफिकेशंस, इनको मद्देनजर रख के आपने काम किया, ठीक होगी बात। तो
अब देख लेते हैं कि कोडिंग में कैसे लिखते हैं। कोडिंग में इसकी बड़ी खूबसूरती है। अच्छा ये आप एक चीज देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके सामने सबसे आसान क्वेश्चन, इसको देख के खौफनाक नहीं होना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे देखिएगा। ये कंट्रोलर में मुझे बताएं कि इनपुट क्या जा रही है, एरर जा रहा है कंट्रोलर में? सारे बच्चे कंट्रोलर की जो इनपुट है वो क्या है? एरर है। ठीक होगी बात। तो हमने भी फिर एरर को इस्तेमाल करना है, इस एरर को। आपने कंट्रोलर में एरर भेजा, कंट्रोलर का नाम है PID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन भी करेगा, डेरिवेटिव भी करेगा। किस चीज का डेरिवेटिव करेगा? कंट्रोलर के अंदर चीज दाखिल क्या हुई है? एरर दाखिल हुआ, उसके साथ ही उसने कुछ ना कुछ करना। तो पहले है प्रोपोर्शनल, तो आपने एरर को सिंपल लिख दिया और उसके साथ KP उसका कांस्टेंट लगा दिया प्रोपोर्शनल वाला। फिर डेफिनेशन में आता है PID, तो आई के अंदर आपने किया क्या, देखें आपने इंटीग्रेशन की है किसकी, एरर की, और साथ में उसका कांस्टेंट। फिर लफ्ज आता है डी फॉर डेरिवेटिव, तो आप देखें आपने डेरिवेटिव लिया है किसका, एरर का, उसकी इनपुट ही एरर थी पहले भाई, और साथ में क्या है कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पर ये जो चीज है ये KD, दैट इज KD, KP, KI, KD, तीन कांस्टेंट है, तीनों गेन्स हैं, और आपने मल्टीप्लाई किया है। पहले मैं प्रोपोर्शनल सिंपल ले लिया, फिर आई ले लिया इंटीग्रेटर, और फिर डी फॉर डेरिवेटिव। तो देखिए कितनी आसान चीज़ है। अब ये अगर किसी को पसंद नहीं आ रही तो MATLAB के अंदर एस डोमेन के अंदर और खूबसूरत है, इंटीग्रेशन को 1/s लिख दें, डेरिवेटिव को s लिख दें, और जो चीज़ सादा है उसको सादा छोड़ दें। कितना आसान काम हो गया। ये यू क्या है? ये आपकी कंट्रोलर की आउटपुट है। हेलो सर। जी जी सर, हमें इधर कैसे पता चला कि हमने PID कंट्रोलर ही लेना है, इंटीग्रेटर नहीं लेना या डेरिवेटिव नहीं लेना, PID लेना है? आप बेसिकली वो टेबल जो आपको दिखाया, जो टेबल दिखाया उसको देख के महसूस करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले आप सिंपल ग्राफ ड्रा करेंगे, आप देखें आप अपना वहाँ पे बिहेवियर देखें सिस्टम का विदाउट कंट्रोलर, देखें क्या चीज़ आपको मिली। जब आप देखेंगे कि आपका रिस्पांस कहाँ से ख़राब आ रहा है, आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन कहाँ से मीट नहीं हो रही, तो फिर जो आपको अभी टेबल दिखाया था उसके थ्रू आप देखेंगे कि किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। तो आप कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों भी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है जी सर। मिसाल के तौर पर घर पर 3-4 सिरप पड़े हुए, 3-4 टेबलेट्स पड़ी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, यूरिक एसिड की, सो पहले बंदे को देखा जाएगा, मरीज को देखा जाएगा कि इसमें क्या, कौन सी बीमारी, कौन सी है, क्या चीज़ है, देन वी आर गोइंग टू यूज़। सो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पुअर आ रही है और कौन सा कंट्रोलर या कौन सा पैरामीटर उसमें बेहतर असरअंदाज हो सकता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। आप सारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बता दूंगा हल, कोई परेशानी वाले। ये देखें, ये आपने लिख दिया KP प्लस KI/S प्लस KDS, ये क्या, ये आसान चीज़ है ना। आप इंटीग्रेशन वगैरह डेरिवेटिव यूज़ करें, क्योंकि टाइम डोमेन की चीज़ें अक्सर अजीब सी लगती हैं और एस डोमेन की चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी लगने की कोशिश करती है। KP ये इंटीग्रेशन वाला और ये डेरिवेटिव वाला, कैसे पता चला? एस फॉर डेरिवेटिव, 1/s फॉर इंटीग्रेशन। सो आप जो है थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये देखें। फिर मकसद ये होता है कि इनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या सेट करनी है, तो उसने जानबूझ के KP KI KD की 1 सेट कर दी। इसकी वैल्यू सेट करने भी काफ़ी सारे वेज हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करने, क्या करने क्या नहीं करें, देयर आर डिफरेंट वेज। अब मसला ये यानी वही दो, उस पर पहले वाला कमेंट ज़्यादा ज़रूरी था। 1 इसलिए नहीं की कि 1 उसने की, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू सेट करने के डिफरेंट वेज हैं कि KP KID KD की वैल्यू कितनी कितनी सेट करनी है। इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और 2-3 मेथड और हैं जिसके थ्रू आप एनालाइज करते हैं कि आपने वैल्यू उसकी कितनी रखनी है। ये वैसे आपको सिखाने के लिए है, सिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3-3 टाइप करके आपके सामने मैनुअल खोल सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ सिखाने के लिए है जी सर, कोई मकसद नहीं, कोई कुछ नहीं अभी फिलहाल। सर ये प्री डिफाइंड होते हैं KP वगैरह? नहीं नहीं, प्री डिफाइंड नहीं होते, आपने खुद से सेट करने होते हैं। वो टेबल दिखाया ना जिसमें लिखा हुआ इंक्रीज डिक्रीज, तो वो बता रहा है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उनको ऊपर नीचे इनको करो, या वैल्यूज को इधर उधर करो, या कोई भी वैल्यू रखो। आप बीच में वैल्यू कह तो रहा हूँ कि इनके बच्चे वैल्यू सेट करने के 2-3 डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है कि KP KD की वैल्यू कैसे सेट करनी है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, क्या वैल्यू डमी डाट डाल के उसको चेक करते हैं, जब आपकी सेटिंग हो जाए तो उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है,
अब ये जे अब ये देखें ये मोटर का ये भला किसका ट्रांसफर फंक्शन है ये लैब में आपने यूज किया हो ये जिसको मैंने हाईलाइट किया सर ये पी मोटर का हमने किया था यूज ये इन्होंने अच्छी बात बताई है और कोई अच्छा एक मजे की बात बताऊं ये बेसिकली मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है पी मोटर कोई नहीं होती माइंड नहीं कीजिएगा ठीक है सो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है पी मोटर हमने नाम रखा हुआ है यानी कि नो डाउट ठीक है तो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है और आपको पता है आपने लैब के अंदर इनकी वैल्यू सेट की थी ये कॉन्स्टेंट्स की या नहीं की थी ट्रांसफर फंक्शन है किस चीज का मोटर का तो हो क्या रहा है कि आपका जो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो अगर आप उसको PID कंट्रोलर उस पर लगाना चाह रहे हैं तो ये PID कंट्रोलर का ये देखें ये इक्वेशन लिखी हुई है नीचे अभी हमने मोटर और PID कंट्रोलर को ना किसी तरह कंबाइन करने की कोशिश करनी पहले आपके कॉन्सेप्ट रिकॉल किए हैं कि इनको ना याद आ जाए कि अच्छा यार मोटर ऐसी ऐसी थी ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी अच्छा एक और आपको जो है ना वो मज़े की बात बताऊँ कि ये आपके पास जो उसको कहते हैं PID कंट्रोलर है इसकी कमांड होती है PID ये देखें बहुत आसान सारी चीज़ों से जान ही छूट गई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कोई पता नहीं है क्या चल गया है जिंदगी में सिंपल PID और PID की ब्रैकेट में लिखा हुआ KP से क्या मराद है कि उसने ना सिर्फ KP को यूज़ किया सिर्फ प्रोपोर्शनल यूज़ किया उसने प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव नहीं यूज़ किया दो उसने इस्तेमाल नहीं किया तो ये लिखने का अंदाज है कि कभी अगर हमें भी दो इस्तेमाल करने पड़ जाएं तो हमने किस तरह से करना है ठीक है तो ये उस चीज का अंदाज है कि हमने उस चीज को कैसे करना है अच्छा फिर एक और जीवता है एक यूज किया उसने वो तीनों में से एक किया ना तीनों नीचे तीनों भी कर लेगा ना अगर मैं यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पे तीनों वाला खोल देता तो उससे आपकी लर्निंग नहीं होनी थी जी सर ठीक है अभी एक वाला देखा ना हमने तीनों वाले भी आ जाएंगे नीचे अच्छा ये चीज देखें उसने इसको एक सी के इक्वल रखा है कि PID कंट्रोलर जो कंट्रोलर लगा है उसको कोई एक कांस्टेंट उसको जाहिर कर रहा है सी ये कुछ भी हो सकता है और फिर आप देखें कि उसने सी को मल्टीप्लाई किया हुआ पी मोटर से ये क्यों किया उसने सर वो पीछे डायग्राम में हमने देखा था ना एरर कंट्रोलर के साथ आगे वो सिस्टम मल्टीप्लाई हो रहा हां अल्लाह आपका भला करे बिल्कुल अच्छी बात आपने देखा कि एरर कंट्रोलर था कंट्रोलर के साथ था प्लांट कंट्रोलर के साथ यानी कि थी मोटर तो जब सीरीज में आ रहे हो तो ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता ये आपने लैब 1 में भी किया था और ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी आप करके आ रहे हैं कि अगर मल्टीपल सब सिस्टम्स को रिड्यूस करके अगर एक सिस्टम बनाना हो चैप्टर नंबर 5 भी कंट्रोल का लैब नंबर 1 भी तो ये प्यारे भाई मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपके पास ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम थी वो आपके पास कंट्रोलर और प्लांट यानी कि मोटर और कंट्रोलर दोनों सीरीज में लगे हुए थे तो सीरीज में जब कोई चीज़ लगी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ये लैब नंबर 1 में भी आपने सीखा था ऐसे ही है जी सर और ये फीडबैक की कमांड क्यों लगाई हुई है क्योंकि ये फिर दोनों फीडबैक हो रहे थे और फीडबैक की वैल्यू कितनी थी फीडबैक के लिए एचओएफएस इस्तेमाल होता ना तो वो 1 थी ठीक है तो ये प्यारे भाई आपके ऊपर पूरी तस्वीर को उसने जाहिर कर दिया यस सर और उसमें कंट्रोलर भी आ गया यस सर अच्छा अब मिसाल के तौर पे बच्चे कह रहे थे कि ये जो सिनेरियो है थोड़ा सा ये देखिए फिर केपी करके उसने ग्राफ वगैरह भी ड्रा किए हुए कि ग्राफ से फर्क क्या पड़ता है ना अब ये कुछ और देखते हैं नीचे ये उसने आपको सिखा दिया टेबल सिखा दिया जो कि मैंने पहले आते साथ सिखाया ये देखिए यहाँ पे PID कंट्रोलर ये देखें यहाँ पे सारे कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ये देखें केपी कोमा के कोमा KD ठीक है ये ऊपर कॉन्स्टेंट्स उसके रखे हुए हैं और ये फीडबैक के साथ करेंगे तो फिर ही होगा ना अदरवाइज तो आप जो कुछ भी कर लें वो तो एक कंट्रोलर की एक आउटपुट इसमें सेव हो रही होगी ना तो कंट्रोलर को जब आप अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे जो कि पी मोटर है तभी आपको फायदा नजर आना
देखे ना, ये उसने कोई ग्राफ बनाने की कोशिश की, यहाँ से साइड पे जा रहा है, ऑसिलेशन वगैरह बीच में नहीं है। ये फिर ट्यूनिंग द गेन्स आपको कह रहा है कि गेन को मैं ट्यून करूँ। आप देखे वैल्यूज उसने बदल दी 100, 200, 1। ये वो टेबल के अकॉर्डिंगली देख रहा है कि कौन सी चीजें क्या सेट होती हैं। हर दफा ग्राफ आपके पास डिफरेंट होगा। ये देखिए इवेंचुअली आप अपनी चीजों की तरफ आ रहे हैं। अब ये वाला ग्राफ देखे और ऊपर वाले ग्राफ देखे कितना फर्क है। जो ऊपर अभी ग्राफ देखा था वो तो वाई एक्सिस के ऊपर चढ़ा हुआ था और यूं ऊपर से सीधा जा रहा था। देखिए यहाँ पे उसने वैल्यूज जी बोले सर, उसका राइज टाइम कम नहीं था पीछे वाले ग्राफ का? इसका वो जो पीछे आपने कहा जो वाई एक्सिस पे जा रहा था उसका राइज टाइम कम नहीं था? उसका अब उसमें मैं आपको ब्यूटी बताऊं चीजों के कम ज्यादा होने में। अच्छा बात है, ऐसा होता है कि बचपन में हमें चीजें वो वाली पसंद होती हैं जो कि यकदम ये इस तरह से चीज हो जाए। या मिसाल के तौर पे अब जब हमें कोई किसी चीज का फायदा नुकसान पूछा जाए ना तो हम कहते हैं कि यार अच्छा बताओ इसमें से अच्छी कौन सी है। तो अब पढ़े हो क्या, आपने सीखा होगा कि अच्छी वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। पता क्या होता है, अब एप्लीकेशन वाइज चीज़ों की खूबसूरती है। मिसाल के तौर पे कोई कहता है यार सेल्फी लेनी है ना तो ओप्पो वाला कैमरा ले लो, लेकिन वैसे मोबाइल नहीं अच्छा, वैसे तुम सैमसंग या आईफोन या फलाई लो। ठीक है सर, मोबाइल भी अच्छा है वो? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरे पास अपने पास सब आवेगा यार। मैं तो खुद हम भाई हैं, हम मान जाएंगे, लेकिन आपके गिर्दोनुमा में सराउंडिंग में आवाज पहुंच रही नहीं मानेंगे। ठीक है सर, मेरे सर, हेलो सर जी, मेरे दोस्त के पास आईफोन है लेकिन जब उसने कोई सेल्फी लेनी होती है ना तो मेरा मोबाइल लेता है वो। ये ऐसे ही होता है बाज़ दफ़ा, कुछ जो होती है ना चीज़ें, बंदा बड़ा अमीर होता है लेकिन कुछ चीज़ें हम सायों से मांगनी पड़ती हैं ना, तो ये ऐसा होता है लाइफ में। yes. तो चले वो अच्छी बात है ना, अल्लाह ने फिर इंसाफ किया हुआ ना, फिर आपको भी खुशी होती होगी कि चले यार चाहे ओप्पो है लेकिन स्टिल उसको मेरी ज़रूरत है। और फिर जब उसने तस्वीरें शेयर करनी होती होंगी एंड्रॉइड वालों से तो उसकी ब्लूटूथ वगैरह का भी मसला होगा। आईफोन वाला फिर भी बैठा होता। मैंने किसी दौर में यूज किया था आईफोन 4, उस वक्त 4S था मैक्सिमम ना, 4 और 4S था। जब मैं बाहर था तब मैंने 4 कुछ साल को रखा है, तो ये 2011 की बात है, 11-12 की। तो उसके बाद तो फिर बड़ी उसने तरक्कियाँ की, हर साल उधर लोग लाइनों में लग के और फ़ोन लिया जाया करते थे, हम उनकी खबर पढ़ा करते थे कि हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट फील्स, कि जी लोग सुबह सुबह पहुँच गए हैं और कतार के अंदर लग गए। तो हमारे यहाँ तो कतारें अक्सर लगती हैं, पासपोर्ट जल्दी बनवाना है तो फजर टाइम पहुँच जाऊँ। Yes, लेकिन वो आईफोन के लिए लाइन, समोसा लेने के लिए बट स्वीट्स के ऊपर लाइन लगी। हां तो yes, ये मुस्लिम टाउन वादत रोड पे शायद थोड़ी सी सर, मैं कुल्फी लेनी हो तब भी लाइन पे। हां बाबा जी, लेकिन बाबा जी अब बाबा जी 3-4 खुल गई हैं तो वो पैरेलल में कुल्फियों वाले गाग पूरे सारे होते हैं, लेकिन रोजों में समोसों के गाग जो है ना वो। ये मैं असल में एफसी में रहा हूं ना, इसलिए मुझे ये बाबा जी की कुल्फी और ये बट स्वीट और ये सारी चीजें जरा, ये भी फिंगर टिप्स में है ये कंट्रोल के साथ साथ ना, तो ये इधर रहता। अच्छा जी, सो अच्छा ये तो स्टूडेंट ना राइज टाइम की कोई बात कर रहा था, तो वो बच्चे हर जो ग्राफ है ना, अच्छा हाँ बल्कि वो कुछ ज्यादा वाली बात चल रही इससे थोड़ी बाहर निकली। अच्छा उसमें ये होता है कि अब राइज टाइम में ये है कि वो अगर फौरन से राइज कर जाता है तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, नो डाउट कि वो राइज टाइम में वक्त बहुत कम ले लेकिन थोड़ा सा वो वक्त ले, अगर अचानक से वो यूँ राइज कर जाता है या अचानक से अगर चीज़ सेटल होती है तो उससे टाइम की सेंस में या चीज़ों की सेंस में कुछ झटका वगैरह या उस तरह की चीज़ भी लगेगी। मिसाल के तौर पे आप लिफ्ट में बैठते हैं और आप बटन प्रेस करें और विद इन नैनो सेकेंड्स आपको उठा के 5वें फ्लोर पर फेंक के, सोचें आपके साथ इधर उधर क्या हुआ होगा फिर ये चंद कुछ सेकेंड्स के अंदर, या बजाय कि वो एक प्रॉपर टाइम के साथ उधर जा रही यकदम अगर चलती है तो आप भी इधर कोई या दाएं तरफ गिर रहे होंगे या बाएं तरफ गिर रहे होंगे, कैमरे की जद में भी आ जाएंगे, क्या पता विलिंगली गिरे हैं या अनविलिंगली गिरे हैं।
सर ये जो नॉर्मली सर रोलर कोस्टर्स होती हैं सर, सर इनकी भी तो स्पीड बड़ी ज्यादा ही होती है बड़ी सर, और उसके बाद इनके अंदर ट्विस्ट भी होते हैं और टर्न्स भी होते हैं सर, वो तो इसका कंट्रोल बैलेंस सर किस तरह हो रहा होता है सर? यार इस तरह तो मौत वाले कुएं की बाइक को देख के भी मेरे ज़हन में आता था कि ये कैसे कंट्रोल कर लेगा, पता नहीं। नहीं सर मैंने सीखा है सर, रोलर कोस्टर तो मैग्नेटिक वो लेविटेशन उससे चलता है ना सर। इन पे ये जो टॉयज वगैरह है ना, ये जो जितनी चीजें हैं वो तो खैर मौत के कुएं वाला तो सारी चीजें मैनुअल है, इनकी जो है इनकी जो कपलिंग और ये सारी चीजें है ना, ये बड़ा प्रॉपरली पूरा सिस्टम इनका डिफाइन हुआ होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अब कोई झूला इस तरह के कि वो ऊपर टॉप पे जा रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई ये मैग्नेटिक कम्बिनेशन की लाइट से बात करें, कोई भी उन्होंने ऐसा जैसा कम्बिनेशन यूज़ करना है। अभी अक्सर आपने प्रोजेक्ट में भी देखा होगा कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो बस दफ़ा इलेक्ट्रिकल का आपने प्रोजेक्ट पकड़ा होता है, उसमें सारा काम ही मैकेनिकल का होता है, ठीक है। सो ये जो कंट्रोलिंग और सपोर्ट, ये जस्ट इलेक्ट्रिकल नहीं है, अभी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा डीपली उसको स्टडी करें ना, तो आपको ज्यादा ऐसे फील होगा जैसे मैकेनिकल की ज्यादा चीजें हैं बीच में। सर ये जो मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं वो भी ये कोर्स पढ़ते हैं? हाँ जी, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल वालों ने भी पढ़ते हैं। किसी एक जगह पे मैं था और मतलब इंडस्ट्रियल में तो एक बंदे ने कहा कि मुश्किल सा कंट्रोल का क्विज बना दो, मैंने कहा कि आपने पढ़ाया किस तरह से हुआ, उसने कहा उसको छोड़े आप बिल्कुल मुश्किल सा बना दें, तो फिर हाँ फिर मेरे साथ एक और भी बंदा बैठा था, वो भी थोड़ा कंट्रोल की नज़ाकत को समझता था, तो मैंने कहा ये सर से आप बनवा ले, मैं कहा मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बातों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बच्चों को आता क्या होगा ना, तो अगर हम ऑर्डर पे क्विज बनाएंगे तो फिर परफॉर्मेंस जो है ना वो सही नहीं आएगी कि ऑर्डर पे क्विज बना रहे हो। सो इसमें ये है कि राइज टाइम वगैरह ये जितनी भी चीज़ें ना, ये आप एक लिमिट के अंदर रखें कि मैकेनिकली डैमेजेस ना हो, ठीक है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मैकेनिकली डैमेजेस ना हो। आपने सिर्फ अपनी स्पेसिफिकेशंस को नहीं देखना कि वो जो है वो बहुत, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने 1 सेकेंड कहा तो आप कहें कि मैं सर को जीरो पे करके दिखाता हूँ, नो डाउट आप 1 ना करें, लेकिन आप 1 के करीब करीब हो जाए, 1 से लेस हो जाए, दैट्स फाइन, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें उसकी बाकी जो चीज़ें ना वो चीज़ें मुतासर ना हो, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिकली, आप ग्राफ में देखने में खूबसूरत भी लग रहा होगा ये इस तरह की चीज़ें या कुछ ऐसा, तो लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो है ना वो, अब लिफ्ट की बार बार एग्जाम्पल अक्सर मैं तकरीबन लिफ्ट पर काम रखता हूँ या मोटर पर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको विजुलाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि मोटर हमने पढ़ी, उसको देखा, लिफ्ट में हम डेली उस पर आते जाते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी, बाकी जितनी भी एग्जांपल है वो थोड़ा दूर हो जाती हैं क्योंकि चीज़ का पता हो तो विजुलाइजेशन फिर ही होती है। तो ये चीज़ें इसमें आप इसको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, पी मोटर का एक फंक्शन है जो कि आपने लैब में पहले भी यूज़ किया हुआ है, आप पी आई डी कंट्रोलर की कमांड लगाएँ, ग्राफ सेट करें, आपका जो है ना वो काफ़ी हद तक सी पी का भी काम हो जाएगा, ये लैब भी हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा और हाँ ठीक है, इसकी बाकी ये जो वेबसाइट का मैंने आपको बताया हुआ था वो वेबसाइट का एक इन अ वेरी शॉर्ट वे मैं आपको बता देता हूँ, वो मेरी पिछली वीडियो देखिएगा ना मैंने जिसमें आपको ग्राफ उसका करने का कहा हुआ था, वेबसाइट पहुँची होगी वाया जमील साहब भी आप तक? नहीं सर उन्होंने नहीं बताया। नहीं नहीं यार उस पर एक उन्होंने असाइनमेंट भी शायद आप लोगों को दी थी इस पे। जी सर वो प्रेजेंटेशन दी थी लेकिन वो ऑक्टेन वाला बताया था उन्होंने। मैं उसी की बात बता रहा हूँ ना, ऑक्टेन वाले की, ये देखे ना ऑक्टेन, ऑक्टेन से रिस्पांस नहीं जनरेट होता, मैं तो उसको बड़ा करता हूँ, वो बस कंट्रोल वो कोड लिखा जाता है, कोड बस जनरेट हो जाता है, उसमें सिमुलेशन नहीं होता। नहीं नहीं एंटर भी दबाया करना आप, आधा मिनट दे सिमुलेशन की बजाय जो कुछ मर्जी कर लें सर। नहीं एंटर दबाता हूं मैं लेकिन वो फिर भी वो ना स्टेप रिस्पांस नहीं जनरेट होता उसमें, यानी मैंने तो बहुत किया यानी पता लग गया कि वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन हमें पूछने तो दें उससे कि ये बच्चे की बात पे क्यों नहीं अमल दरामद।
इसको मैं कॉपी करता हूँ ना आपके मैनुअल से कुछ चीज। सर इंसान की लाइफ में भी तो सर वो कुरान पाक कंट्रोल है सर, वो कंट्रोल ऐड करता है। हाँ लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, मैं भी खैर हम सारे बड़े वीक हैं इस मामले में। सूरह यासीन पे आ जाते हैं बड़े हो गए ना। मैं कभी कभी अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ना मेरे घर में सूरह यासीन भी पढ़ी और कुरान पाक भी पढ़ा हुआ ना, कभी कभी खैर किसी को क्या धोखा देना है, कभी कभी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मैं सूरह यासीन से सूरह यासीन ही पढ़ता, मैं कुरान पाक से पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलें जब आखिरत में सवाल होगा तो चाहे मैंने सूरह यासीन ही पढ़ी है, मतलब उठाया तो है ना, उससे थोड़ी अकीदत तो रहती है ना, बस हमारी अकीदत इससे अनसवारी है, यानी कि सूरह यासीन अब ज़्यादा याद हो चुकी है या वो इतना फ्रीक्वेंट है कि उस पर टाइम भी थोड़ा मुझे कम लगता है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। और बाकी की और पढ़ें तो हमारी स्पीड भी वो नहीं रही है, मैंने बड़ा अच्छा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जब पढ़ना नहीं है तो फिर वो चीज़ वो नहीं रहती। जी सर प्रैक्टिस नहीं ना। हाँ तो कारी साहब से जब पढ़ा करते थे तो चीज़ें भी याद थी और बड़े मामला थे, सारी चीज़ें जो थी ना वो याद होती थी, अब सूरतें भी उस तरह से नहीं रही। अब कुल वल्ला पे बात आ चुकी है लोगों की ना, या मैक्सिमम तीन कुल हैं वो मैं पढ़ता हूँ ज़रा तो उस वजह से। लेकिन ये कि अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़े ना, अब अक्सर ये बीबियों को बड़ा मसला होता है, ये दम दरूद करवाती रहती है और देख सो इसमें यह है कि अगर आप सूरह नास को सूरह फलक को विद ट्रांसलेशन पढ़े ना तो आपको पता चले कि ये इसमें हर चीज़ का तोड़ है। इसको तर्जमे के साथ पढ़िएगा ना तो आपको तर्जमे के साथ पढ़ते साथ ही फील हो जाएगा कि इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ों का जो तोड़ा हमने जो अच्छा भला लैब की थी ये जिसमें सेटलिंग टाइम वगैरह, ये लैब नंबर 3 थी आई थिंक सो। यस सर। क्या वही 2 थी या कोई और लैब थी या आगे निकल के तो 5वीं छठी थी सर? 4 लैब की है हमने। सर हमने लैब तो 4 की थी ना यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले, एक लैब बीच में से 4th स्किप करके 5वीं की थी ना शायद, वो 5वीं लैब होगी फिर मैं देख लेता हूँ। 5वीं थी मैग्नेटिक लैबोरेटरी। सर ये हम सिर्फ ये हम सभी लैब कर रहे हैं। ओ यार मैंने कोड कॉपी करना था इसलिए पूछा था, एक मिनट हौसला करो, एक मिनट जस्ट अ सेकंड। हमने पांच ये जो थी ना बताता हूँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वाली ना, ये 5वीं लैब थी वहाँ पे, लेकिन हमने 4th जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाली लैब थी ना वो नहीं की थी। टोटल तादाद के लिहाज से 4 लैब्स की थी। सर सिमुलिंग करके दिखाए जरा उस पे। वही बेसिकली लैब का पूछा इसलिए था कि कोड कॉपी पेस्ट कर सकूँ, वही करने आया हूँ। कोड कॉपी करने के लिए पूछ रहा था सर, ये चीज बता दे नेक्स्ट टाइम लैब 8 बजे ही होगी ना? हां उसको भी कर लेते हैं जरा, एक मिनट उसको स्क्रीन शेयर करने लगा सर। वो मैंने आपको मेल की थी कि सर लैब जुमे के बाद अगर हो जाए नेक्स्ट टाइम से तो अच्छा। हां वो मैंने मेल आपकी पढ़ ली थी, उसका उसमें जरा डीपली सोच विचार करता हूं। अच्छा ये देखें आपके सामने ना ये ऑक्टेन वाली वेबसाइट नजर आ रही होगी, ये जो है यस सर octane-online.net वाली। अच्छा ये देखें ये नीचे इसके जगह बनी थी, मैंने कोड वहां पे पेस्ट कर रहा हूं, यहां पे पेस्ट हो गया कोड, नजर आ रहा है नीचे KDC=5 और ये स्टेप और ये मैंने जो कोड लिया बेसिकली ये आपका लैब नंबर 5 टास्क 2 है, ठीक है लैब नंबर 5 का टास्क 2 यहाँ पे मैंने कॉपी किया। ये जो कह रहे थे कि नहीं होता, अब यहाँ पे आगे इसको मैंने एंटर दबाना है, ये देखिए ये कोड बन के आ गया, ये सिस्टम जिन ट्रांसफर फंक्शन जी फ्रॉम यू ये उसका ट्रांसफर फंक्शन आया, ये देखिए ये कोड आ रहा है मेरे पास KDC=5DC ये वो स्टेप रिस्पॉन्स और ये देखें ट्रांसफर फंक्शन उसने खुद से जनरेट किया ये, और ये नीचे देखें उसका स्टेप रिस्पॉन्स उसने किया कॉन्टीन्यूअस टाइम मॉडल, ये टाइम है ये Y1 है ये देख ये Y1 इसका नाम रखा है ये Y1 और ये अगर इसको आप देखें ये चीज़
भी देखिएगा मैनुअल अब आपके सामने आएगा, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था। मैनुअल में आपको हाईलाइटेड चीज नजर आ रही हो, आई नजर टास्क टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यस सर, ये ग्राफ बनाओ आप, बना नजर आ, ऑक्टेन में भी बना हुआ था ना, ऑक्टेन में मैं yes, दिखाने का मतलब था, ये ऐसा कोई मसला नहीं है ये जो आप कह रहे थे ना, ये बेसिकली ये था कि मुझे तो, मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो फेसबुक ये इधर उधर से, उस दिन एक खबर पहुंची थी किसी मैसेज वाले के, बेंजीर इनकम सपोर्ट वाला मैसेज आया और वो पैसे और वो किसी मिनिस्टर को, तो वो मैं फेसबुक पे नहीं रहा, मैं उसके ट्विटर अकाउंट पे गया हूँ, क्योंकि उसके ट्विटर अकाउंट से पिक्चर ले गई थी मैंने, फिर ट्विटर को स्पेशली लॉग इन किया, उस पर जाके देखा और फिर उसको इंजॉय करना शुरू किया कि अच्छा ये इसने क्या बात कर दी। सो ये है कि इस पर ये जो वेबसाइट वगैरह दी थी ना बच्चे, ये मैंने पहले इस पर कोड यानी कि रन करके चला के फिर इसको जो है वो किया था। ये कोरोना के दौरान जब मैंने पहली लैब एक कंडक्ट की थी ना, तो बच्चों का जब अभी पहला बिल्कुल पहला वीक था, तब मैंने बच्चों को ये इस पर बताया था इन स्टूडेंट्स को, तो इस पर ये चलती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि तो फिर अच्छा ही नहीं लगता ना कि कहीं से वेबसाइट पकड़ी आप चीज़ की तस्दीक भी ना करें, जल्दी से फेंक दें, लाओ जी आपका काम हो गया, तो ये बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं काम, तो ये लैब नंबर जो आपको बताई है ना, ये लैब नंबर है 7 PID कंट्रोलर DC मोटर का। तो पहले तो मैनुअल मौजूद है हमारे LMS के ऊपर, तो आप पहले तो मैनुअल को पढ़ें पहले। अब आपके अलहमदिल्ला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो चुके होंगे, अब आपको पढ़ते वक्त चीज़ समझ आएगी कि क्या है, पहले तो नोट्स के तौर पे उसको पढ़ लें, फ़र्क वगैरह देख लें क्या 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 चीज़ें हैं, फिर पेज के ऊपर नोट कर लें कि अच्छा PID की कमांड का भी आपको पता चल गया, मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन भी आप लिख लें, ठीक है, और लिख के चाहे मोबाइल से आप कॉपी करके एक साथ में एक नोट पैड बना लें या कोई भी चीज़ या रजिस्टर पे लिख लें, क्योंकि मेन चीज़ है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को चेंज करना, मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन वही है, PID की कमांड वही है, आपने जस्ट प्लग एंड प्ले करना, थोड़ा चीज़ों को देखना है, तो वो थ्रू द टेबल आप चीज़ों को ऊपर नीचे करें, और वो भी वन बाई वन आपको यही सिखा रहा है कि पहले ये किया पहले ये किया, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अब LMS मेरे सारे सेक्शन को अपने को कहें बी वाले को कि वो सारा सारे मेरे पास लैब कर रहे हैं, तो उनको कहें कि सर का जो LMS पे बना हुआ पेज बना हुआ लैब का कंट्रोल लैब का, उसको सारे ज्वाइन करें, उस पर मैंने ये लिखा भी हुआ है, लिंक भी लिखा हुआ है, शायद उस पर वीडियो भी हो, और वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप लोगों ने किया होगा ज्वाइन, ये शायद अभी नहीं किया, खैर नहीं हो, सो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा LMS के थ्रू, तो मेरे सब्सक्राइब किया मेरे, तो आप तो वो पढ़ रहे हैं ना बाकी कोर्सेज मेरे पास, उस पर EDC के भी लेक्चर्स पढ़े हैं, कंट्रोल के भी पढ़े हैं सो, और कंट्रोल लैब के भी, ये पिछली जो मैंने आपको एक एक लैब करवाई थी उसके भी मैंने लेक्चर वहाँ पे अपलोड किया हुआ। तो अभी इसके टाइम का थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्की सी इसकी रिलैक्सेशन दे देते हैं कोई 15-20 मिनट की स्टार्ट वाले टाइम की ना, ठीक है, बाकी फिर उसी तरह ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको अगर इसको ये जो जुमे के बाद वाला सीन है ना, ये है तो चीज़ें तो आसान मतलब लगती है ना, लेकिन जब वैसे कोई बात होती है ना कि कोई चीज़ बंदा टाइम पे कर रहा है या नहीं कर रहा चीज़ें, वो फिर बड़ा अजीब सा तासर जाता है, ऐसे तासर जाता है जैसे कोई बंदा काम चोर नहीं होता, आपका मसला नहीं, यानी कि मेरा भी एक टीचर, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में 8 बजे का टाइम है, और कोई बंदा क्या रहा कि मैं इस स्टूडेंट को 9 बजे करवा दूंगा, ये स्टूडेंट से मेरी बात होगी हम शाम को ना 6 बजे कर लेंगे, तो वो इट फील्स लाइक के जैसे चीज़ों को ना बड़ा ख़राब सा किया जा रहा है ये इस तरह से, तो मेरे लिए भी वो थोड़ी दिक्कत की बात होती है, साफ ज़ाहिर सुबह फिर सैरी करके लोग सोए होते हैं, सो थोड़ी सी दिक्कत की बात मेरे लिए भी है आपके लिए भी है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, आधे को घंटे की, लेकिन ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना ना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। मैं वैसे रूटीन वाइज भी 3 घंटे रात को 3-4 घंटे रेस्ट कर लेता हूँ, और सैरी के बाद 8-9 बजे तक अक्सर सोता हूँ, सैरी करके नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर मेरी क्लासेस होती हैं रूटीन वाइज, फिर मैं 8-9 बजे उठ जाता हूँ, तो बस ये कि हम इसको 8:30 तक कर लेते हैं, फिर बिफोर द जुमा ये आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर अपनी क्लासेस या जो भी रूटीन होगी वो, ठीक है,
तो यानी कि हम यहाँ पर अपनी आसानी तो ढूंढ लेंगे, लेकिन जो तमाशाई होते हैं, जो मतलब मैच देख रहे होते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं जी बंदा सोया हुआ और इसने पता नहीं कितना कमाल कर दिया और ये अब क्लासेस को उधर ले गया और ये शायद सीरियस ही नहीं है। हालांकि क्या सीरियस नहीं है, मतलब टाइम वही आपके सामने जो हमने बात की है, सीरियस होकर बात की, समझ रहे हैं। तो वो बिना वजह आप एक मेहनत भी करते हैं, यानी कि बच्चे मेरे स्टूडेंट भी एफर्ट कर रहे हैं, उनका टीचर भी एफर्ट कर रहा हो, सही है, और इधर उधर से जो है वो आवाज़ें आ रही हूँ कि जो जी चलो जी सर वसीम अगर असर टाइम ले रहे हैं तो हम जी शाम को ईशा के बाद कर लेते हैं, समझ रहे जी सर। ये सर ठीक है, 8 बजे वो नहीं, 8 to 8:30 चले उसको, 8:30 तक इसको किया जा सकता है, ठीक है सर। बाकी तो, दिन भी लेते हैं 8 बजे क्लासेस तो ये भी ले लेंगे। तो नहीं उसमें कोई 5-10 मिनट के चलेंगे, उसमें कुछ छोटी मोटी कोई उसमें रिलैक्सेशन जो है वो मतलब पॉसिबल हो सकती है, ठीक है जी सर। तो बाकी इंशाल्लाह लाएमल तैयार कर लेंगे, LMS ज्वाइन करवा दें, उम्मीद है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी रही होंगी। थोड़ा दिलचस्पी थी आपको, ज़रूरत थी चीज़ों की, तो शायद आपने थोड़ा लगता भी है दिलचस्पी से सुना, ठीक है। अटेंडेंस जो है वो मैं ऑनलाइन लॉग के थ्रू लगा लूँगा आप लोगों को, और सबको काइंडली कहें कि अटेंडेंस जो है उसकी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट में एक ईमेल जनरेट की थी कि जिन बच्चों से नहीं हो सकता वो फ्रीज या उस तरह से कर लें, तो वो भी एक ऑप्शन थी, लेकिन हमारी भी कोशिश थी कि बच्चे उस ऑप्शन को कम अवेल करें, इनका नुकसान ना हो। तो अभी भी लगे हुए, तो आप सबको कह दें कि यार क्लास भी ले लें, प्रॉपर चीज़ें भी करनी। हाँ जी सर, वो लास्ट वाली लैब पर सर वो पता ही नहीं चला था तो हमसे आया नहीं गया, तो सर उसमें एब्सेंट लग गई। नहीं उसको एज सच क्या उसको कहते हैं उतना क्रिटिकल नहीं लिया, लेकिन उसका भी पता वैसे लगना चाहिए था जो कि नहीं लगा। खैर तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ऑनवर्ड ये जो प्रॉपर अब सारे इसको क्लासेस को लेने लग गए, ठीक है, इसमें जो है ना इन इन चीज़ों को जो है वो आप सीरियस लें। जी मोहित कोई क्वेश्चन था सर? वो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेडिंग कैसे करेंगे आप लैब में सर? यार वो आप छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए इस मैदान में, और मैं 2006 का इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, 10 में ग्रेजुएट हुआ था, 14 साल इसी चीज़ों से वाबस्ती रही है। तो क्या ख्याल है अपने बच्चों को ग्रेडिंग करनी नहीं आती होगा? सर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी? यार मैंने MS किया था ब्रैडफोर्ड से, और इंजीनियरिंग की थी कॉम सेट से ना इधर से, और फिर MS किया था यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड से, ठीक है। तो इसमें ये है कि ग्रेडिंग का अभी हम चीज़ों का लाए अमल ढूंढ लेंगे ना, ये तो हमारी हेडिंग है ना कि चीज़ों को कैसे एवेल्युएट करना, ठीक है। तो वैल्यूएशन का ये ना कि वाइवा वगैरह ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है ना, ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट हो सकता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ पूछिए आप बताएंगे पता चल जाएगा। जी सर, सर लैब रिपोर्ट का बता दें, वो क्या करना है इसका? लैब रिपोर्ट का उसका भी कर लेंगे, मतलब आप अभी ठंडी करके खाएं यार, क्या मतलब सारी तरक्की और सारी बातें आज ही, सो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या उसका सिनेरियो। वो वर्ड पे लिखी जा सकती है, वो वर्ड पे लिखी जा सकती है, और उसकी उसका एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये गूगल ड्राइव पे ना अक्सर हम आपस में फैकल्टी में ऐसा करते हैं कि हम अपनी शीट्स एक लिंक शेयर कर देते हैं या गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट को एक शेयर कर देते हैं, तो सारे उस पे जो है ना वो सबमिट कर देते हैं, वो एक ही जगह पे सबकी पड़ी होती है, ऑनलाइन वो चली जाती है, ठीक है। लिंक स्टूडेंट को मिल जाता है और उस वो लिंक पर डाल देते हैं, तो उधर एक लैब वन का लेट से बना हुआ मिसाल के तौर पर लैब टू का फोल्डर, तो ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। या मिसाल के तौर पे इससे भी ब्यूटी वाली बात कि आप जैसे असाइनमेंट LMS में क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप उसकी एक डेडलाइन रख दें लैब रिपोर्ट की, उसका नाम असाइनमेंट की जगह लैब रिपोर्ट रख दें, और उस पर बच्चे लैब रिपोर्ट आ रहे हैं, उसकी एक डेडलाइन रख दें मिसाल के तौर पर हफ्ते के अंदर अंदर, 7 दिन साफ जा रहे हैं लैब रिपोर्ट के लिए, 7 डेज आ रही ना, तो 7 दिन के अंदर उसका ऑटो टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो सबमिशन ही लेगा। जी सर, अगली लैब रिपोर्ट की बारी है, 7 दिन उसके जनरेट कर दिए, ऐसे भी हो सकता है, या एक लिंक दे दिया उस पे सारे जो है वो लैब रिपोर्ट्स जमा करवा, ठीक है, और फिर लिंक पे जब आप अपलोड करते हैं कोई चीज़ तो उसके नीचे डेट एंड टाइम भी आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें।
तो देर आर प्लेंटी ऑफ वेज, हम चीजों को इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। मेन हमारा काम ये है कि हम चीजों इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह सुने और उसको थोड़ा करने की कोशिश करें, यानी कि हम सीख लें। ये जो बाकी चीज़ें ये सेकेंडरी हैं कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होंगी तो कर लिया जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। इसके बारे में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है जी। इजाज़त है जी सर, बिल्कुल जी के बाकी इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं स्वेन कर ले, मैं मेल्स करता हूँ, ठीक जी सर। Allah Hafiz. Allah Hafiz sir, thank you. Allah Hafiz.